नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए दोस्तों, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुँच सके। टाइटल और थंबनेल देखकर तो आपको पता चल गया होगा कि हम इस वीडियो में क्या बताने वाले हैं। चलिए दोस्तों, समय बर्बाद न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह देखिए दोस्तों, जो डब्बे में है ये अदरक, लहसुन और तुलसी का पत्ता का पेस्ट है। हमने मिक्सिंग मशीन में बारीकी पीस लिया है, घर से लाया हूँ दोस्तों। और यह हल्दी है, जिसमें हम मिलाकर पानी में मिक्स कर अपने मुर्गियों को देने वाले हैं। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लोग अपने मुर्गियों को पीने के लिए दिन के पानी में देंगे। जितना मुर्गियां दिन भर में पानी पी लेती हैं, उतना पानी लेकर इसको अच्छे से पानी में मिक्स कर अपने मुर्गियों को देंगे। चलिए दोस्तों, अब देखिए मेरा छोटू पानी में मिश्रण को अच्छे से मिक्स करेगा। यह देखिए, हल्दी और लहसुन थोड़ा सा और तुलसी का पत्ता का जो पेस्ट था, इसको पानी में मिक्स कर रहा है। आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। एक बात और, इसका मात्रा अगर ज़्यादा भी हो जाएगा तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। अब इसके बाद हल्दी को मिलाएगा। हल्दी भी थोड़ा कम बेसी भी हो जाएगा तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। देखिए दोस्तों, मेरा छोटू हल्दी को मिलाएगा, फिर जग की सहायता से इसे अच्छे से फेंट लिया जाएगा, ताकि हल्दी और जो मिश्रण था वो अच्छे से पानी में मिल जाए। दोस्तों, आज यह मिश्रण को देते वक्त तीसरा दिन है। दो दिन हम अपने मुर्गियों को चला दिए थे। दो दिन में ही मेरी मुर्गियां बहुत चंचल हो चुकी हैं। और दोस्तों, कुछ दिन से मेरी मुर्गियां बहुत सुस्त होकर बैठ जा रही थी, तो हमने इसे देसी तरीके से बनाकर इसे अपने मुर्गियों को पीने के लिए पानी में दिया। वैसे भी दोस्तों, सर्दी का समय आ गया। अब हम अपने मुर्गियों को हर 15 दिन के बाद 3 दिन यह मिश्रण को चलाएंगे, ताकि मुर्गियों में कोई प्रकार का बीमारी आने का संभावना ना रहे और मुर्गियां भी स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, आप लोग भी इसे अपने मुर्गियों को चला सकते हैं, और जो मुर्गियां अंडा भी देती हैं उसे भी आप लोग यह मिश्रण को दे सकते हैं पानी में। अंडे का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा, और मौसम चेंज होने के कारण जो मुर्गियों के अंदर सर्दी खांसी, और जब रात के समय में आप दोस्तों फार्म में देखेंगे तो घड़ घड़ की आवाज़ आएगा, तो उसे CRD भी बोला जाता है, वह भी समस्या दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग देसी उपाय करिए, महंगे दवाइयों से बचिए। दोस्तों मैं एक बात बोलने जा रहा हूँ, मैं बड़ी बात तो नहीं बोलूँगा, हमारे फार्म में बीमारी जल्दी आता ही नहीं है। अगर आता भी है तो हम अपना देसी उपाय कर लेते हैं, मार्केट से महंगी महंगी दवाइयाँ नहीं लाते हैं। दोस्तों, जो भी भाई लोग मुर्गी पालन करते हैं, वह अपने मुर्गियों को पानी में पीने के लिए सर्दी के मौसम में हर 15 दिन के बाद 3 दिन इस मिश्रण को चलाएंगे, तो आपकी मुर्गियां कभी बीमार नहीं पड़ेंगी और आपकी मुर्गियां हमेशा स्वस्थ रहेंगी। दोस्तों, मैं प्रॉमिस करता हूं, बस आप लोग यह उपाय 3 दिन कर देखिए, क्योंकि दोस्तों मार्केट में बहुत महंगी महंगी दवाइयाँ आ गई हैं। आप लोग महंगी महंगी दवाइयाँ से बचिए, आप लोग देसी उपाय करिए, आपका मुर्गियाँ भी स्वस्थ रहेंगी। देसी उपाय में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, और जो मार्केट का दवाइयाँ होता है उसमें बहुत साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए आप लोग देसी उपाय करिए। दोस्तों, मैं 1000 बर्ड का बात करूँ तो 1000 बर्ड पर कितना अदरक, कितना लहसुन और कितना हल्दी, कितना तुलसी का पत्ता लगेगा, मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले तो 1 पाव अदरक ले लीजिए, और 1 पाव लहसुन, साथ में 1 चम्मच हल्दी और तुलसी का पत्ता ले लीजिए, जैसे 30-40 पत्ता ले लीजिए। दोस्तों, कम बेसी भी रहेगा तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। और दोस्तों, पानी का बात करें तो आपकी मुर्गियां दिन भर में जितना पानी पीती है उतना पानी ले लीजिए, और इस मिश्रण को पानी में मिक्स कर जैसे हम दिए हैं वैसे आप लोग दे दीजिए, मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी, अच्छे रहेंगी और बीमारी भी नहीं आएगा। दोस्तों, अगर मेरा समझाने का तरीका या मेरा देसी उपाय आप लोग को ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूले, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी। दोस्तों,
क्योंकि दोस्तों हम अपने चैनल पर वही वीडियो अपलोड करते हैं जो हम अपने फार्म पर प्रैक्टिकल कर सीखते हैं, वही वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते हैं ताकि किसी को सही जानकारी मिल सके। अगर आपको भी मेरा जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन पहुँच सके। दोस्तों आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।